गाड़ी का सेल करने का प्लान बन गया, बिल्कुल अचानक ही प्लान बना है। गाड़ी काफी ज्यादा ऊपर हो गई है, मैकेनिकली बिल्कुल ओके हो गई, परफेक्ट हो गई, ब्रेक्स बिल्कुल नई डल गई है, पार्क व्हील्स का वाटरप्रूफ क्लीनर है। आप देख सकते हैं ये मैंने लेफ्ट साइड पे मारा है और आपका अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी सेल हो चुकी है। नई गाड़ी है वो भी मेरे सामने खड़ी है, वो भी हमारी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। मौसम आज इतना खूबसूरत हो रहा है, इतना मज़े का मौसम हो रहा है और आप गाड़ी भी चेक करें, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, किसी किसी एंगल से ना बहुत ज़्यादा शाइन करती है। सोचता हूँ कि वाइट गाड़ी अगर इतनी शाइन कर सकती है तो फिर ब्लैक गाड़ी कितनी शाइन करेगी। अच्छा, तो इस गाड़ी का सेल करने का प्लान बन गया, बिल्कुल अचानक ही प्लान बना है। जब मैंने आखिरी वीडियो में कॉल ओवर इंस्टॉल किए थे ना, कॉल ओवर इंस्टॉल करने के बाद ही प्लान बना था। तो गाड़ी को सेल करने से पहले और गाड़ी की अच्छी वैल्यू लगाने के लिए कुछ काम करने होते हैं, जिससे ना मतलब आप कुछ 10-15 हज़ार लगा के आप गाड़ी की वैल्यू लेना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना जो बायर के लिए फ्लॉज होते हैं, वो अगर आप वो ख़त्म कर दोगे ना तो उसकी वैल्यू जो अच्छी बढ़ेगी। मतलब आप एक 10-15 हज़ार आप लगाओगे ना तो आप गाड़ी की वैल्यू 1 से 2 लाख आप अच्छी कर सकते हो। तो इस वीडियो में भी हम गाड़ी की वैल्यू अच्छी से अच्छी निकालने के लिए हम गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, जिसमें मैकेनिकल वर्क है, फिर थोड़ा सा बॉडी वर्क है। बॉडी वर्क वैसे ज़्यादा कोई खास नहीं है, साफ सफाई करनी है, इंटीरियर साफ करना है और फिर आखिर में हम इसको पार्क व्हील्स पे लिस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कितने की वैल्यू कितनी की गाड़ी सेल होती है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली, मुझे नहीं पता ये कितना टाइम लेती है, क्योंकि आज शुरू किया है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे, वो गाड़ी को सेल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपको अपनी मर्जी की वैल्यू चाहिए ना, मतलब अच्छी वैल्यू चाहिए, तो आपको गाड़ी को थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कितना टाइम लेती है और कितने की गाड़ी सेल होती है। जब आप ये वीडियो देख रहे होगा तब ये गाड़ी सेल हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा दिखाऊंगा क्या क्या काम करवाना चाहिए गाड़ी को सेल होने से पहले, और उसकी गाड़ी की वैल्यू अच्छी से अच्छी निकालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें साथ सेल करनी, क्योंकि आपको पता है मैंने इसमें काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन करवाई हैं, मैंने इसमें लॉरिम्स इंस्टॉल किए हैं, साउंड सिस्टम है, LEDs हैं और बॉडी किट है। तो इसमें से हमें क्या क्या साथ देना चाहिए, तो हमें देखना है कि क्या इन मॉडिफिकेशन के साथ ज़्यादा गाड़ी की वैल्यू निकलती है या फिर हमें इन चीज़ों को उतार के गाड़ी को सेल करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा मैं। तो मेरी पहली गाड़ी है और उसको हम सेल करने लगे हैं, तो ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क से। मैकेनिकल वर्क में गाड़ी को सिर्फ हमने स्टॉक हाइट पर ही करना है और ज़्यादा खास है नहीं, और साथ में इसकी ब्रेक्स भी सर्विस होने वाली है। ब्रेक्स में थोड़ी सी आवाज़ आती है तो ब्रेक्स भी सर्विस हो जाएंगी और स्टॉक हाइट पर हो जाएगी। उसके अलावा कोई अगर सस्पेंशन का छोटा मोटा काम हो तो सस्पेंशन का काम भी करा लेंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा कोई और गाड़ी में कोई आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम चलते हैं गाड़ी को ऊपर करवाते हैं। गाड़ी जो खुलना शुरू हो गई, सबसे पहले जो हम इसके ओरिजिन स्प्रिंग्स लगाते हैं, गाड़ी जी ना स्टॉक हाइट पे आ जाएगी। साथ साथ में जो है मैंने इनको ब्रेक सर्विस का भी बता दिया। जो पिछले वाली ब्रेक थी ना वो तकरीबन रिसेंटली काम करवाया था मैंने, उसका रोटर स्विच टूल लग गया था, उन्हें ब्रेक पैड भी लग गए थे, लेकिन जो फ्रंट वाले हैं ना उनमें से आवाज़ आ रही थी। तो इसमें आप ये देख सकते हो फ्रंट का जो ब्रेक पैड है काफ़ी पतला भी हो गया आप, और नया का मतलब डिफरेंस आप चेक कर सकते हो। तो ये जो ना अभी ये फ्रंट के नए ब्रेक पैड्स भी लग जाएंगे और टूल भी लग जाएगा रोटर पे। कंपनी है ब्रेक पैड्स की वो निसन की है। निसन जो है सेम ब्रांड है जिसके हमारे जो होंडा के जैसे ना ब्रेक कैलिपर्स निसन के ही होते हैं, उसी ब्रांड के जो ब्रेक पैड्स इंस्टॉल किए हैं। बाकी गाड़ी जल्दी से काम होता है तो फिर इसकी अलाइनमेंट कराते हैं और फिर जो है ना इसका जो बाकी इंटीरियर से साफ सफाई वाला काम है ना वो शुरू करते हैं। सही दोस्तों, गाड़ी ऊपर भी होगी, अलाइनमेंट भी होगी और माशाल्लाह बड़ी स्मूथ ड्राइव है। और अगला स्टेप जो है वो हमारा इसका इंटीरियर की तरफ होगा। इंटीरियर में ज़रा सा साफ सफाई करनी, बहुत गंदी हुई है अंदर से, और उसके अलावा बाहर से देखते हैं, बाहर से भी साफ साफ वॉश वगैरह कराएंगे। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई है, जो ब्रेक्स हैं वो बिल्कुल नई लग गई हैं, जो रोटर्स थे उन पर भी टूल लग गया है। अगला काम जो हमने करना है वो इसकी साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई जब बाहर से धुलेगी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन अंदर से मेन काम है, अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा गंदी। जो मैंने इसके ऊपर ये जो करवाए थे ना, ये भी मैंने इसलिए रैप करवाए थे ताकि जो ना गाड़ी नीट एंड क्लीन हो जाए, सेम नीचे भी और ऊपर से भी, और ये भी सारा नीट होगा, मतलब इसे ना काफ़ी अच्छी नीट लुक आ रही है। इसके अलावा जो हमने एक काम करना है ना वो इसका यहाँ से वेक का लोगो है, वो मैंने लेके रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लोगो है जो कि ना काफ़ी अच्छे से लगा हुआ नहीं था, सीन था, मैंने ना इसको एकदम डीबैच किया, सारा कुछ उतार दिया था। तो उसके बाद जो ये मैंने सारे स्टिकर्स लगाए थे, तो उसमें से जो मैंने सेवक लगाया था ना वो टूट गया, तो अभी ये दोबारा मैं इसको लगा दूंगा ये। और इसके अलावा जो हमारी यहाँ पर ब्रांडिंग हुई भी है ना इंस्टाग्राम की, ये तो खैर मेरा पुराना यूज़र नेम है, मैंने ये चेंज कर लिया था, अभी यूट्यूब वाला ही सेम जो है ना अब्दुल्ला K7 वो लगा दिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसके ऊपर जाने इसकी मज़े मज़े की शॉर्ट्स होंगी। और इस साइड पर जो यूट्यूब का लगा हुआ है तो इसको भी हम रिमूव करते हैं।
बिल्कुल आसानी से उतर गया, बस यहाँ पे सफाई करनी है तो ये भी बिल्कुल ओके हो जाएगा। लोगो भी लग गए। इंटीरियर चेंजिंग की बारी है, इसके लिए मैंने दो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। एक जो है ये ऑल पार्क व्हील्स का ऑल पर्पज क्लीनर है, और आप देख सकते हो ये मैंने लेफ्ट साइड पे मारा है और आप चेक करें तो काफ़ी साफ है, और अभी राइट साइड पे मारना है। तो ये जो ना ये पूरे इंटीरियर पे स्पेशली जो डोर्स हैं, ये जो नीचे होता है यहाँ पे सीट्स, तो वैसे वो ये लेदर राइट इस पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिफरेंस चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा साफ हो गया, बहुत ज़्यादा नीट लुक आ रही है। सेम जो है ना, इसी तरह हम चारों दरवाजे करेंगे। अंदर से साफ करने के बाद मैंने गाड़ी को बाहर से अच्छी तरह धोया, सही तरह जो चमक गई थी ना, फिर मैंने उसकी अच्छी सी पिक्चर्स ली अच्छे अच्छे से एंगल से, और वो जो है मैंने पार्क व्हील्स पे लगा दी। जी सर, दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी सेल हो चुकी है। एक दिन मैंने ऐड लगाया था, एक दिन के अंदर अंदर हमारी गाड़ी सेल होगी, मतलब एक दिन चलने दो दिन कह लें, क्योंकि एक दिन मैंने ऐड लगाया था पूरे सामान के साथ, और कंप्लीट ऐड जो है मैंने एज इट इज गाड़ी इसी कंडीशन में 37 का ऐड लगाया था, और उस पर एक बंदे ने कॉन्टैक्ट किया था, अगले दिन उसने आना था, लेकिन मैं जो है उस दिन ऑफिस था मेरा, तो मैंने उसको डिले कर दिया। तो इसके साथ ना एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, और 3 साल से उन्होंने मुझे बोला था जब भी गाड़ी बेचनी है तो मुझे बेचनी है, उनकी नज़र थी इस गाड़ी के ऊपर, तो जो है उनसे भी मैंने कॉन्टैक्ट किया था, तो वो आए हैं रात को, उन्होंने देखा, उन्होंने एक ऑफर दिया है, ठीक है। उन्होंने उनको ना सब रिम्स दिया था, उनको ना साउंड सिस्टम चाहिए था, ना फ्रंट LEDs चाहिए थी, तो उनका फिर उन्होंने एक ऑफर दी थी मुझे जो कि डिसेंट ऑफर थी। उन्होंने भी बोला था कि आपको ना इन चीज़ों का वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू होती है सिर्फ जो उसको ऐड ऑन होते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। तो फिर मैंने ना प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस की, मैंने 37 से 35.5 पर आ गया, और कुछ भी शामिल नहीं था उसमें, ना LED शामिल थी, ना साउंड सिस्टम और अलॉरियन, मतलब इन्हीं चीज़ों की वैल्यू। अब मैं ये बम्पर्स वगैरह जो ना अगर मैं उतारता हूँ तो मुझे दोबारा नए लगाने पड़ेंगे, और फ्रंट का भी उतारता हूँ तो उनको पेंट शेंट करना पड़ेगा, तो वो मैंने कहा चलो एज इट इज़ देता हूँ, उसका भी मसला नहीं ज़्यादा। तो जो है फिर एक और पार्टी है 35.5 का ऐड लगाया ना, तो उसी दिन रात को जिन्हें एक और पार्टी आई, और उन्होंने पूरी गाड़ी सारी देखी, और उन्होंने जो है मुझे अलॉरियम्स के बगैर और साउंड सिस्टम वगैरह, उनको लाइट्स चाहिए थी, अलॉरियम्स और साउंड सिस्टम वगैरह, उन्होंने मुझे 34 की ऑफर दी, जो कि काफ़ी अच्छी ऑफर थी मेरी नज़र में। तो बस जब उन्होंने 34 की ऑफर दी ना, तो फिर मैंने सोचा अपने उनसे भी बात कर लूँ, और उनको बस थोड़े से काम दे दूँ, लेकिन क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं तो ज़रा उनको ना मतलब अच्छी डील में ना मैं दे दूँ, क्योंकि रिम टायर सिर्फ 1 लाख के बनते हैं, तो ये कह लो कि 34 की थी और 35.5 तक की मुझे, मेरे ख्याल से अगर एज इट इज़ में देता तो 35.5 मेरे नज़र में इसकी अच्छी वैल्यू थी, जिसमें साउंड सिस्टम, अलॉरियन और लाइट शामिल थी, और जिसमें अब जो क्लोज फैमिली फ्रेंड उनको सिर्फ अलॉरियन सही थे, तो उनको मैंने वो बीच में डील में शामिल करके बाकी सारा कुछ निकाल दिया। एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन अच्छी प्राइस में अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गई है, और आप एक्साइटमेंट चेक कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बस अभी देखो सुबह से उठाऊँ मैं, और मैंने कहा चलो सबसे पहले जाना इसका वीडियो भी कंप्लीट करते हैं, और गाड़ी के ऊपर जो चीज़ें उतारने ना वो भी साथ साथ हम उतार लेते हैं। 6 साल से ही मेरे पास थी, और काफ़ी ज़्यादा मेमरीज भी हैं, खुशी भी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मेमरीज भी हैं। 6 साल से मेरे पास थी, मेरे 4 साल यूनिवर्सिटी के इसके ऊपर गुजरे हैं। यूनिवर्सिटी की इतनी ज़्यादा मेमरीज होती हैं, आपका जो बेस्ट टाइम होता है ना यूनिवर्सिटी का, वो मेरा इसके ऊपर गुजरा है कि मुझे आज मिल गया। जब तक नई गाड़ी नहीं आती ना, तब तक ही हमारे पास ये टोकन वगैरह सारा कुछ आ गया, बस ये जैसी है ना अगली गाड़ी मिलेगी तो ये हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। चीज़ें तो जो उतारने वाली हैं वो मैंने इसमें से साउंड सिस्टम उतारना है, जिसमें इसका सब वूफर है, एम्पलीफायर है, और फ्रंट के स्पीकर हैं। फ्रंट के मेरे पास ओरिजिनल स्पीकर्स पड़े तो मैं साल लगा दूंगा, और जो बैक के स्पीकर थे वो इसके मुझे मिले नहीं थे, साथ जेनुअन नहीं मिले थे, क्योंकि और ही मिले थे, तो वो मैंने वैसे ही चेंज करवाए थे, वो अब खालिद देने नहीं है, तो वो वाले लगे रहने दूंगा। इसके अलावा जो फ्रंट की लाइट्स हैं, जिसमें इसकी हाई बीम लो बीम, वो सारे जो है ना इसके जो स्टॉक लाइट्स होती हैं वो लगा के देंगे। जी तो दोस्तों, हमारी गाड़ी जा चुकी है, हमारी गाड़ी थी पर 6 साल से हमारे पास थी, और वो जा चुकी है अपने नए ओनर के साथ। मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा था जब वो जा रही थी, आखिरी मोमेंट था। नई गाड़ी है वो भी मेरे सामने खड़ी है, वो भी हमारी आ चुकी है, लेकिन वो मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। मुझे मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया है, कैसे जो है आप अपनी गाड़ी अच्छी प्राइस में फौरन जल्दी अगर आपने सेल करना चाहते हो तो आप कैसे सेल कर सकते हो।
नहीं, ये नहीं कहना है कि चलो इसमें कुछ छोटे मोटे काम है वो अगला बंदा करा लेगा, आप उसके पैसे कम कर लेना। आप इस तरह करोगे ना तो आपकी गाड़ी काफी लो सेल होगी और हो सकता है काफी कम प्राइस में सेल हो। तो आप उसको मैकेनिकली बिल्कुल ओके करो, बाहर से जितना साफ आप कर सकते हो, मतलब जो आपको सामने नजर आती है चीज, वो जितना आप साफ रख सकते हो उसको आप साफ कर लो, और बस यही चीज, इसीलिए गाड़ी की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो हमारी नई गाड़ी के ऊपर होगी और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस पर अभी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन आने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।